दोस्तों सीएनसी बेसिक इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके आल पे सेलेक्ट करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी बेसिक इन्फॉर्मेशन पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेडियस कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं और रेडियस में हमें G02 कहाँ पे यूज करना पड़ता है और G03 कहाँ पे यूज करना पड़ता है, ये सब बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इससे पहले हम चैम्परिंग का देख चुके हैं, चैम्पर कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, चाहे OD हो चाहे ID हो, उसका चैम्परिंग का तो देख चुके हैं। G71 में टर्निंग का प्रोग्राम, रफिंग का जो है, हम उसमें चैम्पर का प्रोग्राम बना के यूज करके ट्राई भी कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम रेडियस के ऊपर देखेंगे, उसके बाद फिर हम G71 में ही रेडियस और चैम्परिंग का एक साथ का ड्राइंग बना के उसका प्रोग्राम बनाएंगे, फिर उसका हम आगे फर्स्ट सेटअप सेकंड सेटअप करके प्रोग्राम बनाएंगे, फिर मैनुअल प्रोग्राम बनाएंगे जैसे G41 G42 कैसे यूज करते हैं उसका भी देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बहुत सा अभी बाकी है। अभी तो हमारा समझ लीजिए स्टार्ट ही हुआ है प्रोग्रामिंग का। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेडियस देखेंगे। आपके सामने मैं कुछ रेडियस ड्रॉ करके रखा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं समझ लीजिए ऐसा मेरा फेस है, ये डायमीटर पकड़ लीजिए जो भी है, जैसे यहाँ पे तो 50 डाला हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे भी चलिए मैं 50 ही डाल देता हूँ। 50 का डायमीटर है, आर कितना दिया है, रेडियस 10 का दिया है, या अगर ID का हमारा कोई जॉब है, ID नहीं, ये भी OD का ही पकड़ लीजिए, ऐसा है, यहाँ पे 5 का रेडियस दिया है और यहाँ पे देख लीजिए OD का मैं एक पूरा ड्राइंग बना के रखा हूँ, जिस पे फेस पे कॉर्नर पे रेडियस चम्पर, यहाँ पे पहले हम इस पे चम्पर बना के देखे थे, इस वीडियो में हम रेडियस देख रहे हैं। तो यहाँ पे चम्पर नहीं रेडियस दिया, वो भी कितने का, 8 mm का, डायमीटर कितना है 50 का। ठीक है दोस्तों, ऐसे मैं ID का भी एक ड्राइंग बना देता हूँ आप लोगों के सामने। ये रेडियस दे दिया है हमको R 3.0, ठीक है, समझ लीजिए ऐसा अगर हमको दिया है। इसका डायमीटर कितना दे दिया है दोस्तों, इसका डायमीटर दिया है 20 पकड़ लीजिए, 20.0, ठीक है दोस्तों। तब यहाँ पे जो भी रेडियस दिया है, रेडियस का भी दोस्तों अपना 45 का चैम्पर के जैसा ये भी है, अपना चैम्पर 45 का कैसा था, चैम्पर जो दिया रहता था 2 mm का, 1 mm का, उसको डबल करना पड़ता था, वैसे सेम रेडियस भी है दोस्तों। अब रेडियस जैसे यहाँ पे दिया है कितना, 10 mm, बराबर R 10.0, 10 का रेडियस दिया है, डायमीटर कितना है 50 का। तो हमारा स्टार्ट पॉइंट जो रेडियस का रहेगा वो रहेगा 30 का, क्योंकि 10 का डबल हो गया 20, 50 में हम 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, बराबर। यहाँ पे भी ऐसे ही है, 8 का रेडियस दिया है तो 8 को हम डबल करेंगे, 8 × 16, 50 से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। तो चंपर का स्टार्ट पॉइंट ही जो है, इधर मैं लिख देता हूँ रेडियस, सॉरी चंपर मैंने बोला, रेडियस START स्टार्ट पॉइंट G01, 50 वाले का बता रहा हूँ और 8 का रेडियस का, G01 34.0 अंडर ब्लॉक G03 50.0 Z-10.0। आगे पूरा प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ मैं, तो इसके लिए आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैंने बता दिया। स्टार्ट पॉइंट अपना कितना रहेगा, 34, 16, 50 में 16 माइनस होएगा तो बचेगा 34। और यहाँ पे नोटिस किए क्या दोस्तों आप लोगों ने, यहाँ पर मैं थोड़ा टाइम रुक गया था, मैं सोच रहा था अभी लिखूँ कि पहले बताऊँ, तो मैंने फिर भी लिख दिया
चाहे आप अभी बताओ, चाहे पहले लिख लिख के बताओ, चाहे बता के लिखूँ, तो बात तो एक ही है। बताना तो फिर हर हाल में है मुझे, क्योंकि मुझे आप लोगों को सिखाना है, इसके लिए तो वीडियो बना रहा हूँ, तो उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मैं थोड़ा ठहरा कि पहले मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूँ, उसके बाद लिखूँ, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, इसके लिए मैं थोड़ा टाइम रुक गया था। बहरहाल, G03 ये रेडियस किस लिए है? क्लाक वाइज, एंटी क्लाक वाइज करके मैंने आपको पहले ही इसका डिटेल दे चुका हूँ दोस्तों। किसी को याद है कि नहीं याद है? अगर नहीं देखे भी ना हो तो आप उसे देख सकते हैं दोस्तों। G02 क्लॉकवाइज है और G03 काउंटर क्लॉकवाइज, बराबर। तो G03 में जो है अपना काउंटर क्लॉकवाइज है और G02 में क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे हमें अब वो G02 और G03 का जो कोड है हमें अब यूज करने को मिलेगा दोस्तों। पहले मैं आप लोगों को अपना प्रोग्राम बनाने से पहले ही मैं इसका डिटेल दिया था आप लोगों को, कि मतलब कोडिंग का जब वीडियो मैं बनाया था उसमें बताया था अच्छी तरह से। बहुत से लोग तो नहीं देखे होंगे, देखे बहुत से लोग तो क्या करते हैं, वीडियो स्किप कर करके देखते हैं दोस्तों। वीडियो स्किप करके देखेंगे दोस्तों तो फिर आपको नॉलेज मिलने वाला नहीं है, कहाँ किस टाइम पे कौन सा टॉपिक है ये हमें भी नहीं पता रहता, तो आपको क्या पता रहेगा, बराबर। तो यहाँ पे मैंने अभी G03 जो यूज किया दोस्तों, ये क्यों यूज किया हूँ ये आपने नोटिस किया, इसको घड़ी के विपरीत दिशा में रेडियस मारने के लिए यूज किया जाता है G03। और अगर यहाँ जैसे दूसरा पॉइंट बताया हूँ, यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ और यहाँ कौन सा कोड आएगा? यहाँ पे दोस्तों आएगा G02, इसके लिए G02 हमें यूज करना पड़ेगा, और यहाँ के लिए भी G02 कोड यूज करना पड़ेगा, और इसके लिए G03 हमें यूज करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो डायमीटर कैसा यूज करना है और डायमीटर कैसा कैलकुलेट करना है रेडियस का, वो तो मैं बता दिया। और रहा बात G02 G03 कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये भी बता दिया, पहले भी बहरहाल मैं बताया था। बस इतना ही है रेडियस में दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं रेडियस में। अब सीधा हम प्रोग्राम बनाएंगे, एक ओडी का और एक आईडी का, फिर ओडी आईडी का एक साथ बनाएंगे, जैसे कि चंपर का एक साथ बनाए थे। और उसके बाद फिर हम ओडी चंपर रेडियस ओडी आईडी एक साथ ही, फर्स्ट सेटअप सेकंड सेटअप ऐसा करके हम एक जॉब पूरा तैयार करेंगे, जैसे कि बनाते हैं जॉब मशीन पे उसका प्रोग्राम, फर्स्ट सेटअप और सेकंड सेटअप, वैसा ही पूरा प्रोग्राम बनाने वाले हैं डीलिंग के साथ। डीलिंग का भी प्रोग्राम मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा रहा, वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।